Hello friends. So in this video we have to solve one more important problem of sequence and series related to sum of terms, sum of n terms. देखिए problem क्या है. If Sn, S2n, S3n. देखिए Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n and 3n terms of a GP. बात GP के geometric progression की. Respectively, verify that. What we have to verify, we have to prove here, Sn in bracket S3n minus S2n is equal to in bracket S2n minus Sn bracket square. ये हमें प्रूव करना है. मतलब LHS और RHS सेम आने चाहिए. चलो देखते हैं. What is LHS? Left hand side is equal to what? First you are right as it is. जो भी है आपको as it is लिखने हैं. हमारे पास जगह कम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, जा रही. तो आपको एज इट लिखनी है, फिर फॉर्मूले से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा Sn इज इक्वल टू क्या है, a इन ब्रैकेट r रेशियो n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. इस फॉर्मूला को हमें यहाँ पे यूज करना है. जहाँ n है वहाँ सेम आएगा, जहाँ 2n है वहाँ पे 2n आएगा, जहाँ 3n है वहाँ पे 3n आएगा. जीपी एक ही है, एक ही जीपी के तीन अलग अलग टर्म्स के बारे में दिया है, n, 2n, 3n. तो जीपी वही है. तो कॉमन टर्म फिक्स रहेगा ए, रेशियो भी फिक्स रहेगा आर. कॉमन टर्म फिक्स है, रेशियो भी फिक्स है, हमें खाली क्या करना है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स को बदलना है हर फॉर्मूले. चलो देखते हैं क्या है Sn. Sn क्या है? ए है, आर रेस टू एन माइनस वन है अपॉन आर माइनस वन है. ये Sn की वैल्यू हमने ली. फिर ब्रैकेट हम थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा बड़ा काम है. एस थ्री एन क्या है? ए है, आर रेस टू थ्री एन, नंबर ऑफ टर्म्स एन, यहाँ पे थ्री है, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बाकी फॉर्मेट एज इट इज. एस एन क्या है? फिर वही ए, फर्स्ट टर्म सेम आएगी ना, रेशियो भी सेम आएगा आर, लेकिन टू एन है, टू एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, बाकी सब एज इट इज. अभी देखिए इज इक्वल टू, अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. ब्रैकेट से क्या बाहर आएगा, ए और ए बाहर आएगा, कॉमन आएगा, सिंगल ए बाहर आएगा, बाहर और एक सिंगल ए उसका इंतजार कर रहा है, तो ए स्क्वेयर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर. फिर क्या होगा? फिर ये वाला ब्रैकेट को फिर इसे ही रखते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत कुछ खेल होने वाला है. नीचे से आर माइनस वन, आर माइनस वन ये भी कॉमन डिनोमिनेटर बाहर आएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, बाहर लेंगे. बाहर ऑलरेडी आर माइनस वन उसका इंतजार कर ही रहा है, तो यह r माइनस वन का स्क्वेयर भी हो जाएगा. देखिए a a को बाहर निकाला, a के साथ a स्क्वेयर हो गया, इस ब्रैकेट को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को बाहर निकाला, डिनोमिनेटर के साथ r माइनस वन स्क्वेयर हो गया. अभी ब्रैकेट में क्या बचा? तो ये तो बाहर गया, ये बच गया, ये भी बाहर गया, ये बच गया. तो r रेस टू थ्री एन बच गया माइनस वन, माइनस r रेस टू टू एन भी बच गया माइनस माइनस प्लस वन, ये माइनस वन ये प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन ये माइनस वन, क्या हो गया, कैंसल हो गया. थोड़ी स्पेस बचा रहा हूं, अब चाहे तो एक स्टेप में माइनस वन प्लस वन करके बाद में कैंसिल कीजिए, ठीक है, इट्स ओके. सो क्या आ गया, ए रेस ए स्क्वेयर, फिर क्या है, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन क्या है, आर माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर इन टू, यहां से कुछ तो कॉमन आएगा, क्या आएगा, आर रेस टू टू एन बाहर आ गया. थ्री एन मतलब क्या, टू एन प्लस एन, देखिए r रेस टू थ्री एन मतलब क्या, r रेस टू टू एन प्लस एन, इसमें से दैट मीन्स वॉट, r रेस टू टू एन इंटू आर रेस टू एन, ये फैक्टर हमने बाहर ले लिया, बचा क्या, r रेस टू एन माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब बाहर गया. अभी देखिए अभी हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, तो इज इक्वल टू ये आ गया ए स्क्वेयर, ये सेम ब्रैकेट है, तो r रेस टू एन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर, डिनोमीटर क्या है, आर माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर, डिनोमीटर आ गया आर माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू ये वाली टर्म है आर रेस टू टू एन. तो ओवरऑल हमें ए डिनोमीटर पर पूरा कर लेते हैं. तो इस तरह से हमें न्यूमरेटर में तीन टर्म्स है, ये वाला ब्रैकेट स्क्वेयर हो गया, एक दो तीन इसका स्क्वेयर, नीचे एक टर्म है, ये रेशियो मिल गया. अभी वही रेशियो हमें चाहिए राइट हैंड साइड में. चलो कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा. वैसे जगह थोड़ी कमी है तो एडजस्ट करके ही चलेंगे, फॉर्मूला की अभी जरूरत नहीं है, हमें ध्यान में आ गया हमारे RHS राइट हैंड साइड. अभी RHS क्या है, S2n माइनस Sn ब्रैकेट स्क्वायर है, S2n ब्रैकेट में लेते हैं, S2n क्या है, अभी हमने लिखा है यही है,
ए आएगा ब्रैकेट में आर एस टू एल माइनस वन आएगा अपॉन आर माइनस फोर। ऐसे क्या है जो हमने यहाँ पे बाहर लिखा है, ए है आर एस टू एल माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, मतलब फॉर्मूला एज इट इज ब्रैकेट का स्क्वेयर। देखिए ब्रैकेट का स्क्वेयर भी बहुत जरूरी है, ब्रैकेट का स्क्वेयर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं वीडियो को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको आ गया ब्रैकेट का स्क्वेयर। अभी देखिए अभी क्या करना है, ए ए कॉमन आएगा, बाहर आते वक्त ब्रैकेट का स्क्वेयर हो जाएगा ए स्क्वेयर, फिर क्या होगा आर माइनस वन डिनोमीटर कॉमन आएगा, बाहर आते वक्त आर माइनस वन का भी स्क्वेयर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में ए भी बाहर गया डिनोमीटर भी बाहर गया, बचा गया आर एस टू टू आर 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 एस टू टू एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन भी कैंसिल हो गया माइनस आर एस टू एन बच गया। तो ए स्क्वेयर ब्रैकेट का स्क्वेयर भी है ए स्क्वेयर आर माइनस वन स्क्वेयर इंटू यहां से कॉमन क्या आएगा आर एस टू एन बाहर आएगा, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वेयर है तो जो बाहर आएगा आर एस टू एन उसका स्क्वेयर हो जाएगा तो आर एस टू टू एन हो गया, आर एस टू एन का स्क्वेयर ऑटोमेटिक हो जाता है पावर्स आर एस टू टू एन। ब्रैकेट में क्या बचा आर एस टू एन था ना, आर एस टू एन बाहर लिया हमने यहां से और यहां से, तो आर एस टू एन अंदर है और फिर यहां पे हुआ ब्रैकेट स्क्वेयर। अभी देखिए क्या यही टर्म्स है जो यहां पे है ए स्क्वेयर आर एस टू एन ब्रैकेट स्क्वेयर आर माइनस वन होल स्क्वेयर आर माइनस वन, तो यस वही है। सो दिस इज व्हाट आवर एनएचएस, सो वी कैन से एनएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ। देखिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करो आपको अच्छी तरह से, एस एन का फॉर्मूला सबको मालूम क्या है, अभी हमने लिखा था एस एन का फॉर्मूला है ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अब उसको उल्टा भी लिखते हैं वन माइनस आर एस टू एन अपॉन वन माइनस आर, यूजली वो आर लेस देन वन होगा तो उल्टा लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे किसी कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है। एल एच एस को लिया एस एन की वैल्यू एस थ्री एन की वैल्यू एस टू एन की वैल्यू, फिर ए ए को कॉमन ब्रैकेट का स्क्वेयर हो गया आर माइनस वन आर माइनस वन कॉमन ब्रैकेट का स्क्वेयर हो गया माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन कैंसिल हो गया आर एस थ्री एन माइनस आर एस टू एन आ गया आर एस टू एन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आर एस टू एन बचा माइनस वन बचा क्योंकि थ्री एन मतलब टू एन प्लस एन तो आर एस टू एन, फिर ए ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट का स्क्वेयर आ गया बाकी नहीं। अरे जस क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दोनों की ब्रैकेट का स्क्वेयर कॉमन क्या आ गया ए ए ब्रैकेट का स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिनोमीटर ब्रैकेट का स्क्वेयर आ गया बचा माइनस वन प्लस वन कैंसिल आर एस टू एन माइनस आर एन आर एस टू एन को बाहर लिया ब्रैकेट का स्क्वेयर है तो आर एस टू एन हो गया आर एस टू एन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वेयर। यही न्यूमरेटर है यहाँ पे यही डिनोमेटर यहाँ पे वही तीन टर्म्स है न्यूमरेटर में वही तीन टर्म्स है ऑर्डर यू कैन चेंज। तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया आर एच एस हेंस वेरीफाइड हेंस प्रूफ। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमें समझ लेना है, थोड़ा लॉजिक यूज करना है और बस लॉजिक के साथ चलेंगे, बाकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है आपको उसको अप्लाई करना है, प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करने आना चाहिए इसलिए प्रीवियस नॉलेज आपका स्ट्रांग चाहिए बस और कुछ नहीं। समझ में आया लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।